विवेक और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भैया करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाम सेम है बट हाँ क्या ही कर सकते हैं, चैप्टर है। तो ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, अ फ्लो ऑफ 10^7 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इन वायर, फाइंड करंट। ये नीट 1994 का क्वेश्चन है। वैसे करंट बताने से पहले मैं आपको 9-10 में जो आपको पढ़ा हुआ है वो डेटा आपको क्लियर करना वाला हूँ कि आपने पढ़ा होगा आई इक्वल टू क्यू बाई टी, पढ़ा है कि नहीं, चार्ज पर यूनिट टाइम, यही तो होता है। इसको फील करो भाई, जैसे ये तार दिख रहा है मेरे सामने, अगर मैं पूछूँ तुमसे भैया इस समय यहाँ पर ये पॉइंट पे ये तार दिख रहा है ना, रुक जाओ मैं वीडियो में देख देता हूँ भैया। ओके यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो इस तार पे यहाँ ऐसे ऐसे करके करंट जा रही होगी भाई, चार्ज जा रहा था, आई एम सो सॉरी, चार्ज फ्लो कर रहा होगा। क्यों चार्ज फ्लो कर रहा है? क्योंकि इधर क्या पता हायर पोटेंशियल हो, इधर लोअर हो, तो हायर से लोअर फ्लो कर रहा भैया, ठीक। तो तुम कहो कि भैया चार्ज एक तरफ से चल रहा है, यानी उसकी एक डायरेक्शन है उसके फ्लो होने की, तो करंट भी डायरेक्शन होना चाहिए। हाँ भैया डायरेक्शन होती है, बट इट डज नॉट कंसिडर एज वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ। वेक्टर एडिशन लॉ ये कहता है कि भैया अगर मान लो इस तरीके की सिचुएशन है कि यहाँ से 2 एम्पेयर आ गई करंट, यहाँ से 3 एम्पेयर आ गई, तो वेक्टर, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता तो वेक्टर जब दो ऐड होते हैं तो ये 3 है ये 2 है, तो जब ये ऐड होते हैं ना तो ये क्या करते हैं, इनके दोनों कंपोनेंट ऐड होते हैं। जैसे इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर की ओर इधर, और एक कंपोनेंट नीचे आएगा, ऐसे ही इसका एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो इसमें इसको ऐड होना चाहिए, इसको इसको ऐड होना चाहिए, यानी सिंपल सा ये कहना है कि ये जो थीटा है इस पर डिपेंड करेगा कि रिजल्टेंट क्या आने वाला है। जबकि भैया तुम्हें अगर हमको बता दें, तुम्हें दो तार दे दें ऐसे 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 करके इस तरीके से बना दें, और बोलें कि भैया एक तार में 3 एम्पेयर करंट आ रही है और एक से 2 एम्पेयर आ रही है, तो बताओ इधर कितनी निकलेगी, तो ऑब्वियस ही बात है एक बच्चा बोलेगा 5 एम्पेयर, जो कि सत्य भी है। तो भैया यहाँ तो तुमने कैसे जोड़ दिया 3 + 2 = 5, ये तो स्केलर रेडिएशन लॉ है ना, इस वजह से, सिर्फ इसी वजह से। बाय द वे उसकी डायरेक्शन होती है, चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर ही फ्लो करता है, ओके उसकी डायरेक्शन होती है, बट फिर भी कई लोग इसको टेंसर क्वांटिटी भी बोल देते हैं, बोल दो भाई हमारा क्या जाता है। बट क्या एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ समझने वाली कि I = Q/T, बट इससे ये मत समझना कि भैया चार्ज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगी, चार्ज बढ़ने से करंट ऑलवेज नहीं बढ़ती, कई जगह पे ऐसा नहीं होता इंडक्टर्स वगैरह में कॉइल में, खैर वो आगे आप लोग पढ़ लेंगे, अभी से कोई वो दिमाग में मत बनाना। अगर 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 इसको तुम डेल्टा टी भी लिख सकते हो, मतलब अगर मैं बोल दूँ कि भैया शुरुआत में इस तार में जो चार्ज था वो 2 कूलाम था, अब हो गया 8 कूलाम फ्लो करने में, तो ये जो चेंज हुआ है चार्ज में कितने समय में हुआ, ये बोला मैंने 3 सेकेंड में हुआ, तो तुम क्या करोगे डेल्टा क्यू, क्या करोगे डेल्टा क्यू निकालोगे 8 - 2/3 - 0, ऐसे समझ रहे हो ना मेरी बातों को, इस तरीके से सॉल्व करके निकालोगे। इसको बोलते हैं एवरेज करंट, एवरेज एवरेज निकाल लिया ना एक, मतलब जैसे गाड़ी से तुम घर से निकले और अपने कहीं मान लो हॉस्पिटल गए, तो तुम एवरेज किस रफ्तार से चल रहे थे, एवरेज रफ्तार निकालते हैं, जैसे एवरेज स्पीड निकालना कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल तुम कितनी दूर गए अपॉन टोटल टाइम, अगर उसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक स्पीड आएगी, अगर जिस स्पीड से चलते तो तुम वहाँ पहुँच जाते, बट तुम हमेशा उस स्पीड से थोड़ी चलोगे। जैसे मान लो टोटल डिस्टेंस, मान लो तुम्हारे घर से किलोमीटर 100 मीटर की दूरी पे, अपॉन मान लो तुम कितनी देर में पहुँच गए 50 सेकेंड में पहुँच गए, तो तुम जब डिवाइड करोगे तो आएगा 5 × 100 = 20, ये क्या है 20 क्या आया है, 20 आया तुम्हारा एवरेज स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। हमने बोला तुम 1000 मीटर चल गए 50 सेकेंड, वैसे तो इसका मतलब बहुत तेज है, 1000 मीटर 50 सेकेंड, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर 50 सेकेंड में, यानी 1 मिनट के अंदर ही 1 किलोमीटर, बहुत तेज गया। तो इसका मतलब एवरेज स्पीड तुम्हें 20 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, इसका मतलब हर समय, एवरेज मतलब होता है हर समय तुम अगर 20 से चलो हर सेकेंड, तो तुम 50 सेकंड में 1000 मीटर चल गए होगे, ये कहने का मतलब होता है। एवरेज में समझा रहा हूँ बस आपको फीलिंग के लिए, ठीक है, तो बस वही एवरेज होता है भाई। अब खैर मेरी बात समझ गए हो तो अच्छा है, वैसे मैंने बकैती कर दी, आई थिंक मैंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया। खैर तो भैया बातें क्लियर होती हैं। एक और चीज़ समझाना है यहाँ पर, आई इंस्टेंटेनियस भी होता है, मतलब एक इंस्टेंट पे, जैसे यहाँ बताओ तुरंत भैया तुरंत बताओ इस जगह पे कितना चार्ज है, तो उसको हम निकालते हैं dQ/dt से, कोई दिक्कत नहीं भैया, वहाँ तुमने डेल्टा क्यू रखा मतलब बड़ा चार्ज बड़ा चेंज, या dQ, d मतलब बताता है डिफरेंशियल, डिफरेंशियल मतलब बहुत चुन्नी भर का, जैसे
अगर तुम्हें यहाँ पर करंट बतानी होगी तो तुम झट से उंगली रखोगे यहाँ वाले चार्ज को, दबा लोगे, कहोगे ये रहा वो छोटा सा चार्ज जो फ्लो कर रहा था, और कितने टाइम में, बहुत छोटे से टाइम में फ्लो किया है, तो तुम बोलोगे वो चार्ज अपॉन दैट टाइम दिस इज स्मॉल करंट या इंस्टेंटेनियस करंट जो कि तुमने उंगली जहाँ पर रखी उस जगह पर है, समझ लो, तो तुम उस जगह को रोक दोगे ना एकदम से, तो वही चीज़ है डी क्यू बाई डी टी कहते हैं उसको। खैर अगर मैं तुमको दे दूँ इसका मतलब क्यू इक्वल टू 3t² + 5t और 2 सेकंड पे पूछ लो करंट तो तुरंत निकाल सकते हो, दिख रहा है ना तुम्हें ये, इसका मतलब क्या है, अब क्यू को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, डिवाइड मतलब डिवाइड से डिफरेंशिएट कुछ मैच नहीं कर रहा है, अगर यही लिखता मैं क्यू डी टी वैसे तो होता नहीं है, इसका मतलब होता है इंटीग्रेट करो, मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब क्या, इंटीग्रेट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है तो डिफरेंशिएट हो रहा है, यार ये चीज़ तो बेसिक पता ही होगी आपको, तो डिफरेंशिएट कर लो, अपना आंसर रख लो ठीक है, 2 सेकंड उस पर करंट निकाल लो, के सवाल हो जाएंगे, ऐसे सवाल बहुत आए हुए हैं। खैर चलो हम लोग ये नहीं करते, हम लोग ये करते हैं नीट में आया हुआ सवाल ताकि हमको लगे कि हाँ भैया कुछ है। इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड भैया एक तार में जा रहे हैं, करंट बताओ, करंट होता है चार्ज बटे टाइम, पर सेकंड जा रहा है तो टाइम 1 सेकंड हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक, 1 सेकंड में कितना चार्ज जा रहा है बस उसको लिख दो वही करंट होगा, ठीक है, 1 सेकंड भैया चार्ज कितना है, कुछ बैल तो लिख देंगे ये रहा आंसर 10^7 इलेक्ट्रॉन, अजीब बात, तो भैया इलेक्ट्रॉन पे भी तो चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 × 10^-19, याद रख लो यार कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, ये बहुत बार पूछा गया, और माइनस साइन लगाना मत भूलना, बट करंट में माइनस प्लस हमको लगाना नहीं होता इसलिए करंट के लिए हम लोग माइनस साइन नहीं लगाएंगे, समझ लो, अरे मतलब ये कहना है चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे माइनस का ई, यानी माइनस का 1.6, बट यहाँ पर नहीं लगेंगे, तो हम 10^7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6 × 10^-19 से, बस यही आंसर है। अब भैया इसको करने के लिए आप डॉक्टर बन जाओगे, समझो 4 नंबर मिलते हैं भैया एक भी क्वेश्चन सही करते हो, तो वहाँ पर पेपर में आपको आए या ना आए भाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता है क्या होता है, आप भैया खुशी खुशी गए हो देने, खुश हो आप पेपर से, ऐसा नहीं दुखी दुखी पहुँचा दिया किसी ने मार के बौटा दिया भैया पेपर दे जाके, बहुत ज़रूरी होता है खुशी भाई, खुशी खुश अगर आप हो ना तो आपके पास मतलब अपने आप से काफ़ी, भले आपको चीज़ आती ना हो लोग आपको देख के कहेंगे वाह यार क्या मस्त इंसान है, भले आप अच्छे हो चाहे ना हो आप खुश हो, खुशी एक बहुत अच्छी चीज़ है भैया, तुम लोग पता नहीं क्यों उन चीज़ों को मतलब बिल्कुल बिलीव ही नहीं करते खुशी को, सोचते हैं अरे हाँ टाइम पे, लोग कहते हैं ज़्यादा खुश मत हो बाद में बुरा होगा, भाई कद्दू बुरा होगा यार, तुम अगर खुश हो तो तुम दूसरों को भी खुश कर लोगे। खैर बहुत ज्ञान दे दिया मैंने, हाँ तो खैर चलते हैं भैया, अब आगे चलेंगे हम लोग, देखते हैं आगे की ओर क्या है, ठीक है, ओके। एक और तरीके का भैया क्वेश्चन बड़ा वायरल होता रहता है दुनिया में, कल मैंने इसको इंस्टाग्राम में वायरल देखा था, ठीक है, तो भैया ये क्या है कि q = t² + 2t दे रखा है, एवरेज करंट बताओ 0 से 2 सेकंड के बीच में, तो कुछ महानुभाव इसको ही नहीं कर पाते हैं यार, क्या है इसमें, जो मैंने फॉर्मूला बताया वही होता है, i = i एवरेज होता है डेल्टा q लिख दो बटे डेल्टा t लिख दो, डेल्टा t दिख रहा है चेंज इन टाइम कितने का है 0 से 2 सेकंड, कितने का चेंज है 2 का, अब 0 से 2 सेकंड में चार्ज का कितने का चेंज है नहीं निकाल पाओगे, अगर चार्ज का टाइम के साथ रिलेशन दे रखा है कि टाइम t पर जो चार्ज है वो इतना है t² + 2t, तो टाइम 0 पर चार्ज कितना होगा 0, अबे 0 रख दो ना इसकी जगह, 2 सेकंड पे चार्ज कितना होगा ठीक है जगह रख दो, तो 2 सेकंड पे चार्ज आ गया उस पर 0 सेकंड पे आ गया, तो डिफरेंस कर लोगे तो तुम्हें क्या डेल्टा क्यों नहीं मिल जाएगा चेंज इन चार्ज, बताओ अब इसको सॉल्व कर देना, तो यार प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है, और ये सारे सवाल करना मतलब सीखो यार, अब बार बार थोड़ी बताऊंगा आगे, ठीक है ओके। अब एक और तरीके के भैया क्वेश्चन भी वायरल होते हैं नीट में, खासकर ये क्वेश्चन आए जाते हैं, भैया चार्ज रिवॉल्व कर रहा है गोल 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 और कुछ भी दे रखेगा, मान लो फ्रीक्वेंसी दे देगा, फ्रीक्वेंसी देने का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी दे दिया मतलब टाइम पीरियड दे दिया, टाइम पीरियड दे दिया फिर पूछ लेता है रेडियस बता दो या कुछ भी बता दो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है ना, सर्कल में अगर कोई चीज नाच रही तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस होगी कितनी भैया, अगर ये आर रेडियस में नाच रहे तो ये टोटल जो सर्कमफेरेंस का ये जो डिस्टेंस है ना ये होता है 2πr/v, नहीं निकाल पाओगे वी की जगह लिख लो ओमेगा होता है वैसे तो काफ़ी ज़्यादा, 2πr/v होता है वैसे तो, समझ रहे हो, और वी की जगह आर ओमेगा रख लो, अगर मान लो ओमेगा पूछ लेता आपसे, समझ रहे हो, ये बस दो फॉर्मूले हैं इनको खेलना है बस, 2πr/v की जगह आर ओमेगा होता है, v = r ओमेगा, भैया याद रखो
इक्वल टू आर ओमेगा, ए इक्वल टू आर अल्फा, ये चीज़ तो याद ही रहनी चाहिए हर बच्चे को, मतलब भले कुछ आए ये तो बड़ा इजीली याद हो जाता है। वी होता है लीनियर स्पीड कि भैया ऐसे ऐसे पेन कितनी तेज चल रहा है, ओमेगा होता है गोल गोल कैसे कितनी तेज, उनको रिलेट करने वाला ये आर डिस्टेंस होता है, वी इक्वल टू आर ओमेगा। एक होता है लीनियर एक्सेलरेशन, ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। खैर ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी इनमें से दो तीन डेटा दे रखेगा, तीसरा पूछ लेगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराने नहीं वाला हूँ, फिर भी आपको एक हेडिंग में दे दूंगा, अभी तुरंत से आपके डिस्प्ले में प्रोफाइल में शो कर रहा होगा, इसको सॉल्व करो। ओके आगे चलते हैं भाई। ओके तो अब बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है आपके सामने, ड्रिफ्ट स्पीड। सिंपल है ये, ड्रॉपर्स समझ सकते हैं, ये मैंने क्या लिखा है, इक्वल टू वडीना इसको बोलते हैं, याद रखो। वीना वैसे बोल सकते हो, वी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, स्पीड या फिर वेलोसिटी। आई इक्वल टू वी ई एन ए, याद रखना यहाँ जो एन होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई पर यूनिट वॉल्यूम कह सकते हो, पर वॉल्यूम, ठीक है इस तरीके से। और जो म्यू है इसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है कितनी ईजिली कोई चीज़ फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी यानी इलेक्ट्रॉन कितनी मोबिली फ्लो कर पा रहा है, तो वो चीज़ होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन किस मजे से फ्लो कर पा रहा है, किस मतलब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वेलोसिटी है उसकी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर, मतलब पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहा है, उसको बोलते हैं मोबिलिटी, मतलब कितनी मस्त से मूव कर रहा है, समझ गए होगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोबिलिटी। ये क्वेश्चन में नीट में आया हुआ है, क्वेश्चन 2020 में आया हुआ, 2019 में आया हुआ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है इस समय, वैसे तो ये बोर्ड पूछा जाता है, बट क्या इस देखो दो फॉर्मूले हैं जिससे आपके क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे, क्वेश्चन भी करा दूंगा, दिखा दूंगा, वैसे फॉर्मूला क्या नहीं याद कर पाओगे, पहले मैं बोल रहा हूँ आपसे, दो फॉर्मूले हैं। तीसरा आप चाहो तो ये भी याद रखो भैया, वैसे चाहना नहीं इसको याद रखना है, वी डी इक्वल्स टू ई ई टाऊ बाई एम, ये कैसे आता है, यहीं से आता है, करूँ ठीक है। वी डी इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, वी डी इक्वल्स टू I अपॉन ई एन ए, यही है वीडी, ये हमको लाना है ई ई अपॉन ऐसा कुछ, तो हमको चेंज करना पड़ेगा भाई काफ़ी चीज़ें, करंट की जगह कुछ कुछ लगना पड़ेगा, करंट होता है क्यू बाई टी यानी ई अपॉन टाइम पीरियड यानी टाउ ऐसा कुछ, तो इतना हो गया ठीक है। तो ई से ई मर गया एक, तो वन अपॉन एन ए टाउ आ गया ठीक है, वन अपॉन एन ए टाउ। अभी एन ए को कैसे चेंज करें बच्चे, मतलब ऐसे ही कुछ करके आता है यार, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा, बट खैर आप लोग हो सके तो याद रख लो, वैसे इसकी प्रूविंग बोर्ड्स में कराई जाती है ये परफेक्टली, मतलब एक कंडक्टर ऐसे ले लेते हैं उसका वॉल्यूम एरिया वगैरह मान के, अब उसको याद तो है नहीं और ना ही उसको कराऊंगा क्योंकि यूजलेस हो गया भाई बोर्ड में, मतलब अब तो प्रूफ करके क्या ही उखाड़ पाओगे जब तक क्वेश्चन लग पाएंगे ठीक है। तो खैर आपको इसको याद रखना है ई टाउ बाई एम ठीक है, ई टाउ बाई एम नहीं याद रखोगे, अरे यार सब कुछ याद कर सकते हो, एक इंसानी दिमाग बहुत कुछ याद कर सकते हो। तो बताओ मैंने क्या बोला, आई इक्वल टू वी ना, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी क्या होता है, स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो स्पीड है उसकी वही तो मोबिलिटी होगा, मस्त वाली मोबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ याद कर लो। दूसरा ई टाउ बाई एम, ई टाउ बाई एम, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ इज द टाइम कॉन्स्टेंट बोलते हैं, सॉरी टाइम कॉन्स्टेंट नहीं, इसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, ये दे रखेगा आपको क्वेश्चन में, दिक्कत नहीं है, सारी वैल्यू देगा, सीधे ड्रिफ्ट स्पीड पूछ लेगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछ लेगा, ड्रिफ्ट स्पीड भी दे देगा, समझ लो मतलब कि कोई भी दो तीन चीज़ें गायब करके पूछ लेगा। ई और एम तो आपको पता ही रहता है, ई भैया इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 × 10⁻³⁻³ kg या ग्राम जो भी होता है आप लोग देख लेना ठीक है, वैसे दे रखा होता है कोई दिक्कत की बात नहीं होती, सिंपल आपको फॉर्मूला याद होना होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, अभी आपको बस यही फॉर्मूले बोला है मैंने याद करने को, आई इक्वल टू क्यू बाई टी तो आपको याद ही थे, तो बेसिकली ये आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। ओके ओके तो ये क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी जो कि ड्रिफ्ट स्पीड हैव करता है, मतलब रहती है उसकी कितनी, वैसे तो ड्रिफ्ट स्पीड याद रखो 10⁻⁴ के ऑर्डर की होती हैं, इतने मतलब समझ रहे होगे मीटर पर सेकेंड इज एन ये चीज़ ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस, तो उस हैज़ मोबिलिटी, क्वेश्चन पढ़ लो मतलब उसमें क्या पूछा है, ड्रिफ्ट स्पीड दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है और मोबिलिटी पूछ रखा है। अभी मैं आपको एक छोटी चीज़ बताऊंगा,
ये सवाल नीट 2020 का है, 4 नंबर का होता है ये सवाल। अभी भी बोला ना कि म्यू क्या होता है, म्यू मोबिलिटी, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी क्या होती है, स्पीड पर इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पीड मतलब स्पीड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर क्या स्पीड से चल रहा है, वही तो मोबिलिटी कहलाती है। ये रही स्पीड और ये रही आपकी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्वेश्चन आ रहे हैं, सोचो मतलब कोई लेवल नहीं रहा, मतलब सॉरी आई एम सो सॉरी, लेवल लेवल सब है बट इम्पोर्टेंस ही आप देख रहे हो ना। ये आपको ये समझ आ रहा होगा कि नीट टाइम कम होता है इसलिए फॉर्मूला भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। भैया फॉर्मूले को याद रखो, उसको मतलब यूजलेस मत समझो यार, सिंपल सी बात है। और हाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट फिर से बोलूँगा, वैसे बकैती वाली है, खुश रहना सीखो भाई, खुश रहने के बहुत से तरीके हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या ये वीडियो से मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैं कद्दू यार, 4 लोग 20 लोग 30 लोग देख लेंगे तो क्या मैं पैसा कमाने लगूंगा, खुशी है यार। मतलब भले आप ही देख रहे हो या भले मैं बना रहा हूँ इसको, मेरी खुशी है, समझ लो। तो आप भी कुछ ऐसा करो जिसमें आपकी खुशी जुड़ी हो, बस आप कुछ गलत काम ना करने लगना, भैया किसी को मारो पीटो ये वो, ठीक। तो हाँ मतलब अपनी खुशी को फॉलो करो, खुश रहना भाई। दिन में तुम अगर 24 घंटे होते हैं, 5 घंटे खुश रहो, वैसे भी खुश रहते हो, 5 नहीं 10 घंटे खुश रहो भाई, क्योंकि भाई 10 घंटे तो सो गए, 10 घंटे खुश रहो, 4 घंटे सुख दुख ना करो, मानो मेरी बात, लाइफ चेंज हो जाएगी भाई। मैं मतलब ये नहीं बता रहा हूँ पैसा कमाने लगोगे भाई, तुम बहुत मतलब जीवन आनंद रहेगा। खैर फिर से टाइम वेस्ट कर दिया आपका, अब आगे चलते भाई। ओके करंट में एक और चीज भैया पूछी जाती है, देखो करंट तो स्केलर क्वांटिटी होती है लेकिन इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी बोल देते हैं इसको, या फिर ये बोलते हैं, एक बार चेक कर लेता हूँ भाई क्योंकि आपको बताना। हाँ करंट डेंसिटी बोलते हैं जे को, करंट डेंसिटी बोलते हैं, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि करंट डेंसिटी कहता है कि करंट को एरिया से डिवाइड कर दो, करंट पर यूनिट एरिया इज जे, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच मेक्स दिस एन एक्ट, एक्ट है द मतलब वेक्टर, ठीक है। इस एरिया वेक्टर का मतलब ये क्या है, एक बॉडी है समझ रहे होगे, इस तरीके की 3D बॉडी, तो इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इसका एरिया वेक्टर बाहर। अरे जैसे अगर मैं ये मार्कर की बात कर रहा हूँ, ये मार्कर का ये एंड दिख रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा, और इस वाले का इधर परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस के लेकिन बाहर की ओर, समझ गए ओके। इन ये जो कर्व सरफेस है इनका हर जगह आउटवर्ड आउटवर्ड रेडियली आउटवर्ड रेडियली, मतलब ये जो आउटवर्ड लाइन जा रही है वो सेंटर से पास करेगी इसके, ये जो सेंटर, ठीक है। खैर तो भैया क्वेश्चन ऐसे पूछा कि बताओ कहाँ का क्या होगा। A1 A2 में रिलेशन दिख रहा है, A1 छोटा है तो छोटे से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, बड़े से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, उसी हिसाब से अपना ऑप्शन देख रहे हैं। अरे भाई करंट तो दोनों में सेम जा रही है, तो तुम एरिया देख लो, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी, तो अब समझ जाओ भैया ऑप्शन कौन सा टिक करना है, और टिक कर दो वही सत्य है। और थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा सीखो, ये नहीं कि मैं भैया टिक करके दूँ तभी आप मानोगे, अपने हिसाब से टिक कर लो। ओके अब आगे चलते हैं। ओके तो भैया आपको ये 10th में पढ़ा होगा वी इक्वल टू आई आर होता है, उस हिसाब से आर इक्वल टू वी वाई आई हो जाए, बट आर क्या होता है ना, वी अपॉन आई, ठीक है, बट हाँ बट सॉरी आर इक्वल टू वी बाई आई होता है। अगर छोटा आर को डी वी अपॉन डी आई भी लिखते हैं, मतलब कई लोग डी वी अपॉन डी आई मतलब क्या है, इसको डी वी बाई डी आई भी लिख सकते हो, जो भी चीज़ रेशियो में लिखी रहती है उसमें छोटा छोटा चेंज हो सकता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। खैर तो वी वर्सेज आई का जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, वी और आई का तो भाई तुम्हें पता है ग्राफ की जो स्लोप होती है, यानी ये जो 10 थीटा, मतलब ग्राफ जिस एंगल पे वो ऊपर चढ़ता है वो जो 10 थीटा होता है वही होता है क्या स्लोप, और वही होता है डी वी बाई डी आई, यानी हम कह सकते हैं डी वी बाई डी आई या फिर रेजिस्टेंस जो है वो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये चीज़ है याद रखो, नहीं समझे, अरे यार स्लोप होता है 10 थीटा और वही होता है वी वी और आई ग्राफ का, वी और आई याद रखना, वी ऊपर है आई इधर है, अब जो थीटा होता है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब थीटा जितना बड़ा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा उस लाइन का, जैसे अगर दो लाइन बना दूं तो आप समझ गए होगे इस वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा है, समझ गए क्यों। अरे यार ये जो हो जाएगा ये 10 थीटा हो जाएगा, तो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेजिस्टेंस, बट अगर मैं आई वर्सेस वी का ग्राफ बना देता हूँ, आई वर्सेस वी उसका उल्टा हो गया, इट्स मीन्स आई वर्सेस वी क्या हो जाएगा 1/r, तो मतलब थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, यानी एंगल जैसे मान लो ऐसे दो बना दूं तो ये वाला बड़ा एंगल बना रहा है ये वाला लाइन, तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, मतलब ऐसा दे देता है ऑप्शन ए और बी है, तो बताओ आर ए और आर बी में क्या रिलेशन होता है,
बहुत नीट में क्वेश्चन आया है। मैं नहीं मानते हो तो भैया देख लो तुम लोग खुद ही, मैंने आपको बता दिया क्या बोलना है, क्या बोलना है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, तो वी अपॉन आई का जो थीटा होता है यानी जो स्लोप होती है टेन थीटा, वो वी बाई आई ही होती है। अरे आई एम सो सॉरी, वी बाई आई जो होता है क्योंकि वो होता है क्या आर, और जो स्लोप होता है वो होता है एक्स वाई वाई डी एक्स बाई डी डी कैसे बोले डी वाई बाई डी एक्स होता है सॉरी, यानी वाई एक्सेस वाला चीज रखो ऊपर और नीचे रखो ये, तो वी अपॉन आई इसी तरह आ रहा है ना, इसलिए बोलते हैं थीटा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, यानी जिसका एंगल ज़्यादा, जिस लाइन का स्लोप ज़्यादा, स्लोप ये एंगल होता है, स्लोप मतलब चढ़ाई, इस वाले में चढ़ने के लिए ज़्यादा एंगल जाना पड़ेगा ना, तो इसका स्लोप ज़्यादा है। मेरी बात समझ पा रहे होगे, खैर कर्व भी बना देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्लोप एक और ऐसी एक और चीज़ से निकलता है, जैसे अगर मैंने कोऑर्डिनेट दे दिए, स्लोप होता है एम होता है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू मतलब ये फाइनल वाले का वाई कोऑर्डिनेट तीन है, देखो टू कॉमा थ्री एक्स कॉमा वाई देते हैं, ये तीन है फाइनल का, इनिशियल का वन है, तो इनका डिफरेंस लो नीचे रखो, फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल, तो ये जो आएगा ना ये दे देगा टेन थीटा की वैल्यू, यही टेन थीटा इस तरह भी निकाला जाता है, इसी एम को बोलते हैं इसी टेन थीटा को, और टेन थीटा ही तो क्या था हमारा रेजिस्टेंस, तो कई बार रेजिस्टेंस पूछ लेता है और ये कोऑर्डिनेट दे रखा होता है, तो सिंपल सा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये थोड़ी सी आपको बाय वालों को मतलब दिक्कत की चीज़ लगी होगी, बट हाँ जहाँ टीचर ये बोल देता है ना कि भैया ये जहाँ थोड़ी सी मतलब मैथ वालों को फ़ायदा होता है, वहीं बच्चा सोचता है यार अब तो मुझे आएगा ही नहीं साला, ऐसा कुछ नहीं होता, पहली बार टीचर को बोलना नहीं चाहिए, बट टीचरों की गलती नहीं होती, जैसे मेरे मुँह से निकल गया वैसे आप टीचरों के मुँह से भी निकल जाता, बट हाँ एक बच्चे को जिसको अपना गोल पास करना है उसको भैया इन सब छोटी मोटी चीज़ों से कोई दिमाग में नहीं होनी चाहिए टेंशन कि भैया ये ऐसा होता है वो ऐसा होता है, उसको सिर्फ अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। एक बार फिर से मैंने आपका टाइम खाया इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट आप लोग नोट कर लो वी वर्सेज आई ग्राफ में टेन थीटा आर के प्रोपोर्शनल है, ऐसा 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 एक क्वेश्चन अभी दिखा दूंगा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ओके आगे चलते हैं अब। ओके तो बच्चों ये क्वेश्चन दे रखा है, ये ग्राफ दे रखा है करेंट वर्सेज वी का, आई वर्सेज वी, और पूछा है भैया वेयर नेगेटिव रेजिस्टेंस होगा, कहाँ पर नेगेटिव रेजिस्टेंस होगा, ऑप्शन है बी सी सी डी डी ई, इस तरीके के ऑप्शन से भैया कहाँ पर नेगेटिव रेजिस्टेंस होगा। तो देखो ये टाइप के क्वेश्चन बहुत ही लल्लू टाइप के होते हैं, इसको समझो अभी भी बताया ना थीटा पे सारा खेल होता है, टेन थीटा तो आपको ये पता होना चाहिए, टेन ऑफ टेन थीटा जो होता है अगर 90 से छोटे एंगल है, यानी टेन 60 टेन 30 टेन 20 ये सब निकाल सकते हो आप लोग, मतलब 10-20 नहीं 10-30 10-45 ये सब पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, थीटा अगर 90 से छोटा हो तो टेन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और थीटा वही अगर 90 से ग्रेटर देन हो जाए टेन जो होता है नेगेटिव हो जाता है, ये चीज़ आपको पता होगी बेसिकली, ठीक है। ओके याद रखो हमको पता है कि अगर वी वर्सेज आई ग्राफ हो, अभी जो पिछला याद करा है वी और आई का ग्राफ हो, तब जो थीटा होता है ना थीटा वही आर मान सकते हो, क्यों डायरेक्टली क्वेश्चन होता है रेजिस्टेंस के, बताया था टेन थीटा इज इक्वल्स टू आर, टेन थीटा इज इक्वल्स टू आर, टेन थीटा इज इक्वल्स टू आर, ठीक है ये कह सकते हो थीटा डायरेक्टली क्वेश्चन टू आर वही, बट ये आई वर्सेस वी ग्राफ है यानी टेन थीटा इज इक्वल्स टू वन बाई आर, इनवर्स का रिलेशन है, ठीक है। अब तो पूछे कहाँ रेजिस्टेंस नेगेटिव होगा, अच्छा ये बताओ सिर्फ डी ई को देखो, डी ई वाली लाइन जो है उसको ड्रॉप करोगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को जहाँ काटेगी, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल बना रही होगी इस लाइन से, ये वाली को जो तुमने बढ़ा के खींचा है, ये जो थीटा होगा यही थीटा होगा, मतलब यही एंगल थीटा कहलाएगा, मतलब इसका स्लोप। अरे यार ये कितना चढ़ा, अब इसको चढ़ोगे तो इसी एंगल पे तो चढ़ोगे, इस पे ऐसे करके इसे तो स्लोप कहोगे, तो ये कि 90 छोटा नहीं लग रहा है, अबे 90 का मतलब होता है ये, तो ये 90 है, इस तरीके इतना बड़ा एंगल, तो ये तो इतना ही है, 90 छोटा एंगल है, 90 से छोटा यानी टेन थीटा पॉजिटिव होगा, हाँ टेन थीटा यहाँ पॉजिटिव हो गया भाई, टेन थीटा अगर पॉजिटिव हो तब तो हमारे कोई मतलब किसी काम ही नहीं होगी, हमको तो टेन थीटा ही रेजिस्टेंस है कुल मिला के, अगर ये पॉजिटिव तो रेजिस्टेंस पॉजिटिव, हमसे तो नेगेटिव रेजिस्टेंस पूछा है ना, मींस ये पॉइंट तो नहीं हो सकता सी डी, मतलब डी ई वाली तो पॉइंट नहीं हो सकती, ये बहुत जल्दी जल्दी देख सकते हो आप लोग, सिंपल स्लोप निकालना होता है। खैर एक और चीज़ बताता हूँ, अगर कोई मान लो ये है इस तरीके का, ये इस तरह, तो इसमें स्लोप कैसे देखते हैं, स्लोप होता है इस पॉइंट पे अगर स्लोप निकालना है तो इस पे टेंजेंट खींच दो ऐसे, ये जो टेंजेंट एंगल बना रही है ना इधर से, ये यही थीटा होता है, यही स्लोप होता है इस पॉइंट पर, ठीक समझ गए। ओके समझ गए। खैर तो
तो सी और डी निकाल लेते हैं, सी डी वाला। सी डी पे अगर तुम कोई भी लाइन टेंजेंट खींचोगे, कोई भी खींच लो, यहाँ खींच लो, यहाँ खींच लो, कहीं भी खींच लो, कुछ इसी प्रकार से आएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा जहाँ भी पॉइंट पे खींचोगे तुम लोग, बट जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा ये। अब ये एंगल मत ले लेना, हमने हमेशा इधर वाले से एंगल लिंक मतलब घसीटना है। अभी पीछे भी देखो ऐसे ही एंगल घसीटा था, इस सेंस में मतलब, इस सेंस में मतलब पॉजिटिव एक्स इधर की ओर नापना है हमको। ओके, तो तुम्हें ये 90 से बड़ा नहीं दिख रहा है, साफ साफ से 90 से बड़ा दिख रहा है। इट मीन्स थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, इट मीन्स नेगेटिव रेजिस्टेंस मिल जाएगा, और यही ऑप्शन है सी डी। बी सी पे अगर बनाओगे भी ना, तो बी सी पे ऐसा बनाओगे तुम, टेंजेंट बनाओ किसी भी पॉइंट पे, तो टेंजेंट खींचोगे ये, मान लो इस पॉइंट पे टेंजेंट, टेंजेंट मतलब ऐसे खींचो जो सिर्फ उसी को कट करे। तो अब जो एंगल मेजर करोगे, यहाँ से मेजर करोगे ना ये, अरे भैया इधर से मेजर करना है, ये इधर से भी मेजर हो सकता था इस लाइन में, जैसे तुम इधर से मेजर इसका कर रहे थे, बट ये गलत है, इधर से मेजर करना है। इधर से क्या थीटा बना, एंड दिस थीटा इज लेस देन 90, तो यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, ऐसे यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, सिर्फ ये सी डी वाले पॉइंट पे नेगेटिव आ रहा था, और यहीं से हमको पता चल गया कि सी डी पे नेगेटिव रेजिस्टेंस मिलेगा। बाय रेजिस्टेंस क्यों नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ही तो एक तरीके से क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, इस ग्राफ का जो स्लोप है यानी जो थीटा है वो 1/r है, तो अगर थीटा नेगेटिव तो 1/r भी नेगेटिव। अगर पूछ लेता ज्यादा कहाँ पर है कम कहाँ पर है, तो थीटा सबसे ज्यादा यहाँ होता, वहाँ रेजिस्टेंस सबसे कम होता। जैसे थीटा सबसे ज्यादा कहाँ है, वैसे यहाँ पर ऐसे वैलिड क्वेश्चन नहीं बन सकता, फिर आपको पॉइंट देता ई डी इन इन जगह पे, इन जगह पे खींच, इस जगह पे अगर टेंजेंट बनाते तो ये एंगल बनता, तो थीटा ये सबसे बड़ा मिलता, समझ रहे हो। सी पे बी पे बनाते तो ऐसे खींचते तो थीटा छोटा मिलता, तो ऑब्वियसली बात सी पे आंसर आता। अरे यार शायद तुम लोग कंफ्यूज हो गए मेरी बात, समझो समझो। ओके खैर समझते चलना, इसको रिवाइंड करके भी देख लेना अगर ना समझ आए। कौन सा ग्राफ है, वी नहीं आई वर्सेस वी दिया, इनवर्सली जिसमें थीटा इनवर्स प्रोपोर्शनल था, ग्राफ ऐसे दिया था, ऐसे और ऐसे, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर पूछा है तीनों में से कौन से पॉइंट पे मिनिमम रेजिस्टेंस है, मतलब कम है रेजिस्टेंस, तो तुमको पता है थीटा इनवर्स प्रोपोर्शनल तो आर यानी मिनिमम रेजिस्टेंस है, तो थीटा मैक्सिमम कहाँ पर मैक्सिमम स्लोप मिल रही है, यहाँ स्लोप देखोगे तो इस पर टेंजेंट खींचोगे यानी यही लाइन बना दोगे, तो ये है थीटा, ठीक है। अरे ये थीटा हुआ, यहाँ टेंजेंट खींचोगे तो टेंजेंट कैसे खींचोगे, ऐसे ही तो खींचोगे, पॉजिटिव एक्स को बड़ा कर लो, ये एंगल है ये थीटा है, यहाँ टेंजेंट खींचोगे तो ऐसे ही तो खींचोगे, तो ये थीटा है, टेंजेंट नहीं खींच पाओगे, सबसे बड़ा थीटा कहाँ लग रहा है, हमें तो यही लग रहा है, इट मीन मिनिमम रेजिस्टेंस यहाँ होगा, सबसे कम थीटा किधर लग रहा है, यहाँ सबसे छोटा थीटा यानी मैक्सिमम रेजिस्टेंस यहाँ रहेगा इनवर्स, क्यों, क्योंकि ग्राफ आई वर्सेज वी, यही वी वर्सेज आई कर देता तो थीटा डायरेक्टली वर्सल टू आर हो जाता, कोई दिक्कत की बात है यार। मुझे नहीं लगता इतना बकबक करने के बाद आप लोगों को मेरी बातें समझ नहीं आई होंगी। खैर आगे।